स्क्रीन पर आपको ब्लश ओवर लिखा हुआ दिख रहा होगा। ब्लश ओवर क्या करता है, ब्लश ओवर कैसे काम करता है, यह आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले वो सवाल जिसका जवाब आप लोग जानना चाहते हैं कि हम यहां क्या कर रहे हैं। हम यहां स्टार्टअप को कवर करने आए हैं। स्टार्टअप वो पंछी जो बिहार में नया नया आया है, वो पंछी जिसको लेकर बिहार के एंटरप्रेन्योर लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, और ब्लश ओवर उसका ही एक कीड़ा है। ब्लश ओवर क्या करता है, ब्लश ओवर आपके बाल का, आपके दाढ़ी का, लड़कियों के मेकअप का ख्याल रखता है। सेलो एग्रीगेटर है, अगर इसको खूब बढ़िया अंग्रेजी में बोलना चाहें हम तो। सेलो एग्रीगेटर माने ये कि आप जाकर कहीं बैठते हैं, लाइन लगाते हैं, नंबर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई कैसे काम कर रहा होगा। आपको अपना दाढ़ी बनवाना होता है और जाकर आपको एक घंटे इंतजार करना पड़ता है, तो उसी का सोल्यूशन लेकर ये ब्लश ओवर वाले बिहार में आए हैं। ये करते ये है कि आप इनके वेबसाइट पर जाएंगे, आप अपना लोकेशन डालिएगा और उसके बाद वहां की जो सैलून इनसे कनेक्टेड है आप वहां अपना सीट बुक कर सकते हैं, जाकर अपना जो भी मरम्मत करवाना है चेहरा का और शरीर का करवा सकते हैं। यही ऐप के रूप में भी उपलब्ध हो जाएगा 5-7 दिनों में, जैसा कि अमित जी ने मुझे बताया। और अब हम इनसे ये बात करेंगे कि आखिर इन लोगों की टीम वास्तविक तौर पर आप लोगों को जोड़ने के लिए क्या करती है, आखिर इनका जो मूल मकसद है, जो मेन मोटिव है, वो क्या है। शुरुआत अमित जी से करेंगे। तो अमित जी, तो आप लोग ख्याल रखते हैं शरीर का, राइट? आइडिया कहां से आया? सर, आइडिया हम लोग कभी सालों कभी गए हैं, लाइक अपनी वाइफ को लेके जब मैं गया तो वहां पे मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ गया। अच्छा। तो 1 घंटा हम उनको छोड़ के भी नहीं आ सकते हैं, तो हमें वेट करना पड़ा एंड टाइम इज मनी, जो कि आप जानते हैं। तो ऐसा कोई भी कोई सॉल्यूशन नहीं है जो कि हमें अपॉइंटमेंट बुकिंग दे सके, तो वहां से इस कॉन्सेप्ट की इजाद हुई। स्टार्टअप के लिए एक बात कहा जाता है कि वो लोग दो ऐसी चीजों का सॉल्यूशन देते हैं जो उस वक्त के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ये कहा जाए कि ब्लश ओवर, आप ऐसा दो सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं जो आज तक पूरे बिहार में या भारत में नहीं दे पाया, ताकि आपका स्टार्टअप बहुत सफल हो जाए, तो आपके पास क्या जवाब है? हमारा दो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम आपका टाइम बचाते हैं क्रॉस ब्रांड सैलों में। क्रॉस ब्रांड सैलों का मतलब वो लैक्मे का एक अपना सिस्टम है, अगर लैक्मे में जाना है तो लैक्मे में करिए, जावेद अभी में जाना है जावेद अभी में करिए, बट हम किसी भी सैलों में अक्रॉस बिहार हम आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा चीज कि हम सारे सैलों को एक पोर्टल पर लेके आते हैं, और उस पोर्टल पे आप सारी सर्विसेज को कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स आपको ये नहीं पता होगा कि इस सैलों का प्राइसिंग क्या है, इस सैलों का प्राइसिंग क्या है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और अपने टाइम के हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो आई बिलीव, कितने सैलों को आप जोड़ चुके हैं बिहार में पूरा मिलाकर? अभी बिहार में 185 सैलून अभी तक ऑनबोर्ड हो चुके हैं, जिसमें से पटना में 85 सैलून हैं, एंड आने वाले दिनों में ये मोर देन 300 हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद अब तक कितने कस्टमर को आपने सर्व किया है? लॉन्च होने के बाद हमने करीबन 120 कस्टमर्स को सर्व किया है इन पटना, पूरा बिहार, पटना में से नहीं, पटना में, क्योंकि बिहार में जाने के लिए अभी चूंकि बाढ़ का सीजन है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कोविड की वजह से, लोग नहीं आ पा रहे, बट हम आशान्वित हैं कि लोग धीरे धीरे आना शुरू करें। फाउंडर हैं, हाँ। आखिरी सवाल आपसे, आप ये बताइए कि बाहर ही, मतलब फर्स्ट टायर सिटीज की अगर हम बात करें, तो बहुत ऐसे कंपनीज है जो ये काम वहाँ कर रही हैं, बिहार में आप क्यों आए, इसलिए कि अपॉर्चुनिटी आप जल्दी कन्वर्ट कर लेंगे, या इसलिए कि आपको बिहार के लिए कुछ करना था? सर, बिहार हमारी मातृभूमि है, हम सबसे पहले यहीं से चीज़ों को शुरुआत करना चाहते हैं, और जब तक हम अपने घरों में चीज़ों को शुरू नहीं करेंगे हम बाहर जाके टेस्ट नहीं कर सकते। चलिए, ये बढ़िया चीज़ है, मातृभूमि से शुरुआत करना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि फर्स्ट टायर सिटीज़ में एक तरह से इसका अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर ये लोग आके शुरुआत कर रहे हैं, 20-25 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर रोजगार दे रहे हैं, अगर दिखाए तो पूरे बिहार को सैलों को जोड़ दिए हैं, तो सबको रोजगार एक तरह से दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ये काम करना वाकई में सुखद है। अब टीम लोगों से बात करना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि लगता है ना कि कोई बहुत बड़ी कंपनी कैसे खड़ी हो जाती है, कोई छोटी कंपनी जब आती है शुरुआत करती है, तो सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो ये होता है कि आखिर ये लोग सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटते हैं, किस हिसाब से इनका काम होता है, और जो इनका मेन मोटिव है वो इनके जो कर्मचारी हैं दिन भर जो ऑफिस में बैठा रहता है वो किस हिसाब से उसको सोचता है। इसीलिए यहां के लोगों से बात करके अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका जो मेन मोटिव है उसको पूरा करने के लिए ये इंडिविजुअल तौर पर क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, कहाँ से हैं आप? पटना से ही। पढ़ाई क्या की है? MBA। MBA क्या करते हैं आप? यहाँ पे जनरली हम लोग कस्टमर्स को अवेयर कराते हैं ब्लश ओवर के बारे में, उनको बताते हैं कि ब्लश ओवर पे आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं, कैसे आप ही करते हैं? जी हाँ, लाइक उनको मैसेज के थ्रू या फिर कॉल सपोर्ट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू उनको बताया जाता है कि ब्लश ओवर कैसे काम करती है, क्या उनका मतलब उधर से रिटर्न का जो उनका रिस्पांस होता है। रिटर्न में वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कितना ही यूजर फ्रेंडली है, हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे इस पर। एक बात है ना कि अगर दिल्ली में कोई ऐसा कुछ काम करे जो बहुत नया हो, हालांकि ये नया नहीं है लेकिन कोई नया काम करे, तो लोग चाहते हैं कि उसको देख ले जाकर, तो यहाँ के लोग कैसे हैं इस मामले में?
यहाँ के लोग भी देखते हैं, जैसे बहुत सारे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको मतलब इस समय मतलब ये समझ में नहीं आता कि ब्लड शुगर एक्चुअली काम क्या करता है, तो हम लोग उनको पूरे सही लैंग्वेज में मतलब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में उनको समझाते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं कि ब्लड शुगर कैसे आपके लिए काम करता है, कैसे आपके समय को बचाता है और कैसे आपके आसपास के जितने भी सैलून्स है आप वहाँ पे कैसे जाके सर्विस। आज तक सबसे घटिया जो आदमी मिला हो बहुत सवाल पूछा, बीमार दिमाग खराब कर दिया। हाँ जी है, ऐसा बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं कि वो कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन कर देते हैं कि जी क्या आप लोग कोरोना में वैक्सीन देने के लिए कॉल किए हैं, फिर बहुत सारे ऐसे फनी क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाते हैं। तो उस वक्त तो कंपनी का बहुत पॉलिसी होता है या हाँ बिल्कुल करते रहना जी, हम लोग को बिल्कुल अपने नॉर्मल अपने एसेंट को भूलना नहीं है। मन में तो गाली देते होंगे आप? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग उनको बिल्कुल अच्छे लैंग्वेज में समझा देते हैं। जी नहीं, आपको उसके लिए बहुत ही काम रहना पड़ता है, कूल रहना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। अगले साहब से मिलते हैं, क्या नाम है आपका? नीलांश प्रकाश। कहाँ से हैं? पटना से। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? यही पटना से। पटना से हुई है, बहुत शानदार। पटना का आदमी पटना में पढ़ के पटना में नौकरी करने लगे तो दुनिया का सबसे खुशी इंसान प्रशांत राय हो सकता है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मेरा टेक्निकल पार्ट है सारा, मतलब सारा वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। कंटेंट अपलोड करते हैं? नहीं, कंटेंट के लिए मेरे पास आता है, मेरा वो मेंटेनेंस वाला है और डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अच्छा एक बात बताएगा, आपसे हम पूछे कि ब्लश ओवर के बारे में आप बेस्ट क्या सोचते हैं, दो चीजें, तो क्या बोलेंगे आप? बेस्ट आई थिंक वही है कि मतलब हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सभी यूजर्स को कि आप वहां से एक जगह पे सभी को सर्विसेज को कंपेयर करके बुकिंग कर सकते हैं, सबसे बेस्ट यही, और टाइम सेविंग तो है ही ऑफ कोर्स। अरे अमित जी, अर्बन क्लैब से आप लोग कैसे अलग हैं? अर्बन क्लैब में सिर्फ आप सर्विस को घर पे बुला सकते हैं। हाँ, जैसे मेरा टेस्ट है कि मैं लैक्मे में ही जाऊं, मैं किसी और में ही जाऊं, तो ब्लश वो क्या आप अर्बन क्लैब आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। अर्बन क्लैब अपने हायर्ड या फिर जो उनके पैनल पे उनको ही आपके यहाँ भेजेंगे, तो आपकी क्वालिटी को हमको माने घर बैठ के दाढ़ी बनवाने का, तो आप ऐसे कुछ करते हैं क्या? अगर आपके नियर बाय सैलून में हमारे पास ऑलरेडी फ्रीलांसर्स एडेड हैं जो कि वहां पे जाकर के आपको प्रोवाइड करेंगे, तो हम दोनों दे रहे हैं, जो अर्बन क्लैब दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, और आप अगर लैक्मे में, जैसे बहुत का ब्रांड फीलिंग होता है कि मुझे लैक्मे में ही लेना है, तो आप लैक्मे में जाइए और आप वहां जाकर के भी आप अपॉइंटमेंट बुकिंग कराइए और जाइए उसके पास सर्विस बुक करवा लीजिए। मोहतरमा के पास आइए, क्या नाम है आपका? शिवानी श्रीवास्तव। क्या करते हैं शिवानी जी आप? एक्चुअली अभी यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं विमेन के पार्ट को देख रही हूँ, विमेन फ्रीलांसर के पार्ट को देख रही हूँ, जिसमें कि हमने एक अपना एक ग्रुप भी बनाया है, विमेन सेल्फ रिलायंस ग्रुप, जिसमें कि हम विमेन्स को चाहते हैं कि जो जिनका ये स्किल है ब्यूटिशियन, एज अ ब्यूटिशियन और एज अ मेकअप आर्टिस्ट और एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, जिनके पास ये स्किल है पर उनको एक करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो अपने स्किल्स को शो कर सकें, उनको ब्लश ओवर एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिससे कि वो आ सकें हमारे वेबसाइट पर, ऑन बोर्ड हों और अपने स्किल्स से, अपने टैलेंट से लोग को सर्विसेज प्रोवाइड करें और अपने फैमिली को और खुद के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दें। ये बताइए, थोड़ा सा लीक से हटके सवाल है, पूरा दुनिया कहता है कि लड़का सबसे बहुत ज्यादा जो मतलब मेटेरियलिस्टिक काम है लड़की सभी करती है, ऐसा कहा है मतलब? देखिए हमने अपने घरों में देखा है, आप खुद भी अपने घर में देखते होंगे। हम तो पूरा कंसीलर लगाते हैं पूरे पूरे, आप बताइए लड़की सब क्यों करती है? क्योंकि उनको पसंद है ये करना है। जी ये बताइए, पटना का जो लड़की लोग है जो आप बोले कि स्किल जिनके पास है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो कितना लोग को जोड़ लिया अभी तक? सर वैसे उन लोगों उनमें से कितने लोगों को हमने अभी तक जोड़ रखा है, अभी तक हमने अप्रॉक्स 12 वैसी फीमेल्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं जिनको अभी तक हमने जोड़ रखा है, और वो काफ़ी हमारे सर्विसेज से काफ़ी खुश हैं और उनके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया है जो कि ब्लश ओवर ने लाया है। अगर आप कोई ऑडियंस होती और आप ये वीडियो देख रही होती, आपको ब्लश ओवर के बारे में मालूम चलता आप पटना से होती, तो पहला रिएक्शन क्या होता? वाओ मेरा होता कितना गंदा चीज आ गया। चलिए अभी से बात करते हैं, बाकी देखिए हम मजाक वजाक करते रहते हैं, इसलिए करते रहते हैं, स्टार्टअप वाला से बहुत परेशान रहता है। हम लोग जब आए थे एक डेढ़ साल पहले जनता जंक्शन जब शुरू हुआ था, कहानी सुन लीजिए एक, तो हुआ क्या था कि जब हम लोग यहाँ काम वाम करने लगे तो यहाँ का जो काम करने का कल्चर था वो अलग था, यहाँ भी कुछ कॉरपोरेट वाला सिस्टम नहीं था, हम लोग बैठ के बड़ी मार खाए थे दिल्ली उल्ली में, यहाँ आए लगा कि अरे बाप रे ऐसे काम होता है क्या। तो इसीलिए जब मतलब एक जब टीम बनता है, एक कोई चीज की शुरुआत होती है और बिहार की पटना में होती है, तो इस बात की उम्मीदें अपने आप तीन गुना हो जाती है कि वो चीज चल जाएगा, लेकिन उन चीजों को चलाने वाले जो लोग हैं ना उनका माइंडसेट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इनको दो 10,000 लोग आज 10,000 लड़के लड़कियां देखेंगे जो आज नहीं तो कल ब्लश ओवर में आएंगे, या हो सकता है वो भी कोई स्टार्टअप करेंगे, तो उनके पास ही दिमाग और बुद्धि होना बहुत जरूरी है कि कैसे उनको इसको वर्कआउट करवा देना है। क्या नाम है आपका? दीप्ति आनंद। दीप्ति आनंद जी, सही से बोल दिया नाम। हम कहां से आप हैं? मैं बेसिकली फ्रॉम पटना ही हूं।
पटना से मैंने पढ़ाई किया है, पटना से सब कुछ किया है, लाइक एमबीए भी क्या करती है, यहाँ पे मेरा एचआर हेड का है सारा कुछ देखना, लाइक रिक्रूटमेंट एंड कसम तो फोको पहनवाए होंगे आप कुर्ता पजामा बिल्कुल बिल्कुल मगर इसके अलावा भी एचआर लोग बहुत काम करते हैं। क्या करते हैं एचआर लोग? अभी आपको सुन रहा है बिल्कुल, अभी जैसे कि जितनी भी मैन पावर है यहाँ पे अभी बहुत सारी हायरिंग हो रही है आपको, लाइक अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें लोगों को नौकरी की बहुत जरूरत हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे एक जो नौकरी का लेवल है उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, आपको लाइक जितनी भी फ्रीलांसर्स हो रहे हैं उनको एक मौका मिल रहा है, हम लोग स्किलिंग पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अभी बहुत सारी लेडीज हैं और उनको लाइक उनके पास लाइक सारी स्किल्स हैं बट वो उनको शो ऑफ नहीं कर पा रही हैं। अच्छा। सो हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं कि चाहे वो अर्बन रूलर या सब अर्बन एरिया की क्यों ना हो, हम उनको वो प्लेटफॉर्म देंगे, उनको हम स्किल देंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभार वो स्किल्ड होती है बट वो उनका ब्रशअप नहीं होता है, तो हम उनको वो ब्रशअप भी करा देंगे, कोई बेसिक चीज़ें उनको नहीं पता है मगर उनको एक सपना है कि नहीं मुझे कुछ करना है, बिकॉज ऑफ फैमिली इशूज़ या आफ्टर मैरिज वो बहुत सारी चीज़ों को अंदर ही अंदर दबा देती हैं, बट आई एम लिटरली टेलिंग यू कि हमारी बिहार की महिलाओं में बहुत स्कोप है, बहुत टैलेंट है, यहाँ के यूथ बहुत टैलेंटेड है, बट यहाँ पे हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी होने की वजह से लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं, बट हम यहाँ पे रहे कि अगर हम में टैलेंट है तो हम अपने लिए क्यों ना करें, हम अपने लोगों के लिए क्यों ना करें, सो हम उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे, हम उनके साथ खुद भी सीखेंगे उन्हें भी सिखाएंगे और हम बिल्कुल ग्रो करेंगे। आप कितना दिन पहले इस कंपनी में आए? 1 से 1.5 साल हो गए मुझे। ब्लश ओवर में 1.5 साल हो गया? हाँ, मतलब कि यस ऑब्वियसली। और यहाँ पे जितना लोग बैठे आप कब आई हैं? एक आठ। आपका सर? आपका 1.5। आपका 1 ईयर। अब ये बताइए, और अभी डेटा पे बात होगा, कितना लोग ब्लश ओवर से बुक किया है सैलून और गया है, और जो किया है वो दिखाए फोन में खोल के? आप गई हैं एक बार भी कराने के लिए? दिखाइए फोन, होगा ना डिटेल्स कुछ आपके पास कि ब्लश ओवर के थ्रू आपने कोई सैलून बुक किया हो पटना का, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं क्या आपको उस पर विश्वास है? आपको है? गए थे आप? देखिए हाँ या ना बात हम चेक करेंगे। देखिए मैं सलून एक्चुअली उतना जाता नहीं हूँ, ठीक है? हाँ अरे सीईओ साहब का नहीं 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 इसको सबसे पहले टेस्टिंग मैंने किया, आप मेरा लॉगिन करके देख सकते हैं। हाँ। मैंने टेस्टिंग किया वहाँ पे, क्या टेक्निक नहीं बचाया नहीं है उनको, बचाया नहीं है ये, इट्स अ टीम, तो कोई भी टीम में कुछ गलती भी करता है तो सबकी गलती होती है, और कुछ अकम्पलिशमेंट भी होता है तो सबका अकम्पलिशमेंट होता है। तो हमने बुक किया है, हमने ये भी बता सकते हैं कहाँ बुक किया वो आप देख सकते हैं, चूंकि इट्स अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल, बट आप देख सकते हैं उनके हमने पेमेंट किया सारा प्रोसेस होने, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच को समझने के लिए हमें खुद उतरना पड़ता है। और दूसरी चीज, एक साल से टीम बनते 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 आज जाकर के रिजल्ट आया है, लीजिए। डियर यूजर, योर अपॉइंटमेंट एट बेले द मेकओवर सैलून ऑन 17/8/2021 एट 2:49 PM इज कंप्लीटेड फ्रॉम ब्लश ओवर। ये है ब्लश ओवर का मैसेज आया है 17/8/2021, मतलब हुआ 17 अगस्त। क्या करवाई थी आप? नेल आर्ट। खूबसूरत है वैसे आप। कितना पैसा लगा था? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पैसा कितना? वो तो मुझे याद नहीं है, वो तो मेरा बुकिंग हो और मेरे वॉलेट से कट गया था। पैसा होता है क्या, मतलब ऑनलाइन पेमेंट बिना पेमेंट कहीं कट जाएगा जी? नहीं, ऑनलाइन जैसे अभी कोई भी रजिस्टर करेंगे, ये आपके लिए भी है, कोई भी रजिस्टर करता है उसको 100 रुपये उसके वॉलेट में ऑटोमेटिकली हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री चला जाता है। अच्छा, हाँ, और उसके बाद अगर आप रेफर करते हैं तो आपको और कॉम्प्लीमेंट्री मिलता जाता है। तो मैम ने अर्न किया होगा और कुछ पैसे इनके वॉलेट के थ्रू इन्होंने ऐड किया होगा, उसके थ्रू कटे होंगे। और दिक्कत है कि जैसे ओला जब आया या फिर कोई भी एग्रीगेटर आया तो वो अपने जो मतलब क्या बोले क्लाइंट को देने वाला थर्ड पार्टी था उसको बहुत नियम समझाया कि ओला ड्राइवर को बोला गया है कि देखिए अगर कोई मतलब आपका क्लाइंट कुछ ऐसा बोले तो आप कैसे बिहेव करना है। जोमेटो वाले ने अपने उसको ऐसा समझाया कि आप देखिए डिलीवरी करने जाएं तो कैसे बात करना। आप लोग क्या सिस्टम है, सैलून वाले यहाँ समझते हैं बिहार में जी? सर ये बिहार है, चीजें समझते समझते लोग समझेंगे। हाँ, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कि बहुत अच्छे हैं, जैसे लेट मी जस्ट टेक 2 मिनट्स, ये हमारे मार्केटिंग हेड है, ये मार्केटिंग करते हैं, इनका काम है मार्केटिंग करना, ये मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद ये बहुत सारे सालों से इंटरेक्ट करते हैं, और आप इनसे अगर पूछिएगा सबसे फनी क्वेश्चन तो शायद ये बहुत अच्छी तरह से आपको बता पाएंगे, और इनसे आप पूछिए कि इनका सबसे फनी क्वेश्चन क्या था, ये आके हमें डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि सर हम वहाँ पे गए, वो बोलते हैं कि नहीं हम आपको दे देंगे तो आप तो हमारा सब कस्टमर लेके चले जाइएगा। सिंपल सी चीज है, इनसे पूछिए, इनके पास कॉल्स आते हैं, सी हैंडल्स द कॉल, इनफैक्ट सी हैंडल्स द क्रिएटिव पार्ट आल्सो। और ये इन्होंने अपने बारे में कम बताया, नीलांश आई बिलीव इनके तरफ थोड़ा सा क्या, इन्होंने पूरा का पूरा वेबसाइट आर्किटेक्ट किया है। अच्छा, बनाया भी खुद ही है? बनाया भी खुद से ही है।
तो आप समझ सकते हैं बिहार में जो चैलेंजेस आते हैं, इस चैलेंजेस के बावजूद इतनी टीम मिल करके इसने एक प्रोडक्ट लाया। और रही बात ब्लश ओवर के, जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं पैन इंडिया, अगर हम गूगल करें ना तो बहुत कम या फिर कोई इस तरह का क्रॉस ब्रांड एग्रीगेटर नहीं मिलेगा। कोई भी मिलेगा जैसे बीयू है, बीयू अपना करता है, मे बी मेरे नॉलेज उतना ना हो, लेकिन हमने बहुत सर्च करने की कोशिश की जो अपॉइंटमेंट बुक करके प्रोवाइड करे, दैट इज हार्डली रेयरली कोई भी है। चलिए मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, हम लोग अभी तक 80 स्टार्टअप को कवर किए हैं, फिर मार्केटिंग बाय साहब पास चलेंगे। हम एक और स्टार्टअप कवर किए थे जिसका नाम है ismysalon.com, वो भी आप ही का काम कर रहे हैं, और वो भी बहुत सारे ब्रांड, मतलब जावेद हबीब को फलना फलना चिलना जो भी होता है वो सबको वो लोग कनेक्ट करते हैं, और वो बिहार का ही स्टार्टअप है, और स्टार्टअप करने वाला नाम है सौरभ। मार्केटिंग हेड हैं आप? हाँ, मार्केटिंग वाला क्या करते हैं जी? मार्केटिंग और ऑपरेशन दोनों देखता हूँ मैं, मतलब बाहर जाकर लोग से मिलते हैं जुड़ने के लिए क्या सर वालों को? हाँ ऑब्वियसली। कितने लोग को आप पर्सनली जोड़े हैं अभी तक? पर्सनली मैंने जोड़ा है 80+ के आसपास, मतलब बिहार बिहार का, मतलब सिर्फ पटना का बात नहीं कर रहा मैं, बिहार का। पटना में मैंने अप्रोक्स 51 या 52। बेस्ट आज तक एक्सपीरियंस क्या था? इससे पहले बिहार में ही काम करते थे? हाँ बिहार में मैंने ऑब्वियसली MNCs में काम करा है पहले भी। बिहार के बाहर? नहीं बिहार में ही काम। अच्छा, बिहार में ही काम जी। अभी ब्लश ओवर का सबसे अच्छा अनुभव क्या था? हाँ तो बेस्ट अनुभव ये था कि अगर आप देखोगे यहाँ पे टेक्निकली लोग बहुत कम साउंड है तो उनको समझाना होता है, बट कुछ कुछ ऐसे सलॉन्स है जिस जहाँ मैं गया था मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि ये लोग इतने जल्दी समझ जाएंगे, और मतलब जाते उनको बताया और वो बोले कि हाँ ठीक है ऑनबोर्ड कर दो। और कुछ ऐसे भी सलॉन थे जो अच्छे सलॉन है और अभी तक हमारे साथ वो ऑनबोर्ड नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि उनका एक स्टीरियोटाइप पहले से बना हुआ है कि हाँ नहीं जाना इसके थ्रू, वो हमारे कस्टमर्स ले लेंगे या फिर जो भी है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, सारा कुछ आपका होता है, बस हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कितना परसेंट आपको लगता है कि ब्लश ओवर सफल हो जाएगा? 100 मत बोलिएगा। नहीं मैं 100 नहीं बोलूँगा, और मैं एग्जैक्ट फिगर मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं मार्केटिंग का हूँ तो मैं फैक्ट्स पर ही बात करूँगा। 95% चांसेस हैं इसके सक्सेस होने के। अगर आप कहाँ हो रहा है दिव्य दृष्टि खोल दीजिए आप जी। जी 5% लैक नहीं हो रहा है, जब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है ना, अभी जैसे ब्लश ओवर स्टार्ट हुआ है आपको आपको भी पता ही है सब चीज़, तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ कमियां आएंगी जिसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे, तो बस उसके लिए मैंने 5% को वो रखा है। बट 95% ये लोगों को भी इंटरेस्टेड हैं, लोग भी इसमें और सलॉन्स भी इंटरेस्टेड हैं। चलिए मेरी आखिरी टिप्पणी ये रहेगी कि हम यहाँ आते हैं, जहाँ भी जाते हैं किसी स्टार्टअप को कवर करने के लिए, तो बस यही समझने का प्रयास करते हैं कि जो लोग वहाँ बैठ कर कुर्सी पर कुर्सी को गर्म करने के बजाय बिहार को गर्म करने की कोशिश कर रहा है उसका मनोस्थिति कैसा है। बाकी ब्लश ओवर को खूब प्यार दीजिए, अगर कोई बिहार के लिए बिहार में आकर काम करना चाह रहा है और ये दावा कर रहा है, उधर से कोई जवाब आया था कि 110% चांस है कि ब्लश ओवर सही हो जाएगा, बहुत सही जवाब था मेरे हिसाब से, तो उसको आपको देख समझना चाहिए, देखना चाहिए, इनको एक मौका दीजिए, क्योंकि अगर आपका इस परिस्थिति में जीवन आसान करने का ये प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि आप इनके लिए कुछ बेहतर करें। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।